पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत लोक शिक्षा परिषद मुरादाबाद चैप्टर के पदाधिकारियों ने रविवार को कार्यभार संभाल लिया। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल ने पदाधिकारियों को पगड़ी पहनाकर दायित्व सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि परिषद का उद्देश्य एकल गांव एकल स्कूल के माध्यम से गरीब बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा देना है। देश भर में दूर दराज के जिन इलाकों में सरकार स्कूल नहीं खोल पाई है, परिषद उन इलाकों में गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहा है। मुरादाबाद चैप्टर के शुभारंभ के साथ अब उत्तर प्रदेश में 9वां चैप्टर भी हो गया है। आगामी 2 महीनों में प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। आशा करता हूं कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में भी अपना नाम कमाएगा, एक बढ़िया चैप्टर बनकर इस क्षेत्र की जनता के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। एकल अभियान केवल सेवा का अभियान नहीं है, सेवा के द्वारा इस देश को महान बनाने का अभियान है। इस देश का प्रत्येक नागरिक जो इस भारत को अपना देश मानता है, उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना जगाकर जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का एक अभियान बना का रोना नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एकल अभियान को कहा, 1,00,000 गांव में एकल विद्यालय कर चलाओ, 4,00,000 गांव में रहने वाले 50 करोड़ लोगों के घर में आजादी की रोशनी पहुंचाओ। और मित्रों, 1,00,000 एकल विद्यालय की बात उन्होंने 2022 में बताई, पता नहीं उनकी बात राम जी ने सुन ली। 1,00,000 एकल विद्यालय, आप जब लखनऊ में आएंगे अगले वर्ष 1,00,000 एकल विद्यालय का समाचार आप सुनेंगे। TMU ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में मुरादाबाद चैप्टर के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। समारोह में उद्घाटन TMU के कुलाधिपति सुरेश जैन, SL ग्रुप के लक्ष्मी नारायण गोयल, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और महापौर विनोद अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद मुरादाबाद के चैप्टर के संरक्षक विभोर गुप्ता, महेश चंद अग्रवाल और विपिन कुमार गुप्ता, अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता, महासचिव अवधेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप जैन, मोहम्मद शकील, विकास जैन, सह सचिव ऋतु नारंग, ज्ञानेंद्र गांधी, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल को पगड़ी पहना कर दायित्व सौंपा गया। पूरी टीम जो मुरादाबाद चैप्टर में आज यहां पर पधारे हैं, मैं सभी उन सम्मानित शहरवासियों का और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर उभरेगा जो सभी डायरेक्टर हैं उनके मार्गदर्शन में हम इन विद्यालयों को गांव-गांव में घूम घूम कर जाकर हम स्वयं देखेंगे और उस गति को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देंगे। इसके लिए मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर देश को मजबूत करना है तो हर हाल में हमें अपने गांव को मजबूत करना ही पड़ेगा। कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। He says that ऑप्शन और विकल्प हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि अपनी जड़ों को हम बहुत कमजोर कर रहे हैं। एकल विद्यालय एक ऐसी पहल जिन्होंने आज अपने देश को मजबूत करने के लिए बहुत ही सुंदर कदम उठाया। इस दौरान सुरेंद्र गांधी, अर्श उढ़ल, नदीम हुसैन, अशोक अग्रवाल, श्याम गुप्ता समेत कई निर्यातक मौजूद रहे। परिषद एकल विद्यालय की नींव रखी गई है, एक चैप्टर मुरादाबाद में लाया गया है। एकल विद्यालय पूरे हिंदुस्तान में 71,224 स्कूल उसके चलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जहां पर गवर्नमेंट या और विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर एकल विद्यालय पहुंचकर बच्चों के लिए, जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर भुखमरी है, जहाँ पर उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, वहाँ एकल विद्यालय पहुँचता है और उन बच्चों के लिए
जो आज बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको शिक्षा का एक माध्यम होता है प्राइमरी, प्राइमरी उसको जो है शिक्षा दी जाती है। जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं उसमें विकास हो, उसके अंदर शिक्षा पहुँचे, स्वास्थ्य पहुँचे, ये हमारा एक निश्चय है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि स्कूल तक बच्चा नहीं आ पाता, तो हमें स्कूलों को ऐसी जगह पहुंचाना है जिससे कि हमारे देश का एक एक बच्चा पढ़ जाए। उसी को ध्यान में रख के, उनके वचनों को ध्यान में रख के, और जो महापुरुषों ने बात कही है उसको हम धारण करके आगे कोशिश कर रहे हैं कि जिन विद्यालयों में स्कूल नहीं है, जहां गरीबी है, जहां कुपोषण है, वहां पर हमारा विद्यालय एकल विद्यालय पहुंचे और गरीबों की और जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें, उनको शिक्षा पहुंचाए, जिससे हमें भी संतुष्टि मिलेगी और हमारा देश भी महान बनेगा। शिक्षा से जो है व्यक्ति जब जुड़ जाता है तो प्रगति की ओर वो चलने लगता है। इस अवसर पर सभी नए पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी, तो वहीं अवधेश अग्रवाल का भी जोरदार स्वागत हुआ और भाषण में रोंगटे खड़े कर दिए गए। दो दो मिनट का समय है, सुरेश जी नहीं है, उनके दो मिनट मैंने ले लिए हैं। नजम भाई से एक मिनट बोलवाया है, तीन और दो मिनट मेरे, पांच मिनट में बोलूंगा। और इसी कड़ी में लोधी एक्सपोर्ट नीरज खन्ना जी ने भी 2.5 लाख रुपए का हमें एक सहयोग प्रदान किया। अभी बहुत लंबा टाइम है, सिर्फ 2 साल बहुत है हमारे। ये मुरादाबाद है, ये दिलवालों का शहर है, और हमारे निर्यातक, मैं निर्यात एक्सपोर्ट को बिलोंग करता हूं, इनका सचिव हूं, इन लोगों ने तन मन धन से सदैव मेरा साथ दिया है। मुझे ये उम्मीद है कि ये लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, और जो शाम काना हमारे साथ खुद चल के आए हैं उस भावनाओं को समझते हुए 2 साल का काम 2 साल में पूरा करेंगे। ये आपका सम्मान हसरत से करते हैं श्याम जी, और हमने तो भगवान कृष्ण को अपने साथ ले लिया है। हमारी गीता में लिखा है कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। बहुत छोटी बात है, 4 साल हमने जो भी बीड़ा उठाया है समय से पूरा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस मुरादाबाद में निर्यातक ही नहीं है, यहाँ के डॉक्टर भी बहुत मालदार हैं। मेरी आवाज उन डॉक्टरों तक भी पहुंच रही होगी जिनकी फीस 700 रुपए है। एक एक दिन की अपनी फीस दे दें मुझे तो ये संकल्प 1.5 साल में पूरा कर दूंगा। महासचिव पाबंदियों में नहीं जीता है, ना पाबंदियों में बोलता है, ना पाबंदियों में चलता है, और सर्राफ साथ आ गए तो 1 साल में पूरा कर दूंगा। ये बहन ऋतु नारंग बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है, कपड़े वाले साथ आ गए तो 6 महीने में पूरा कर दूंगा ये संकल्प। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, मोदी जी के नारे को आत्मसात करना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास होगा। मेरे निर्यातक बंधु तन मन धन से अपने कृष्ण के साथ, बोलो कृष्ण भगवान की। आपका कोई निर्यातक लालच में नहीं है कि उसका काम 100 गुना हो जाएगा, वो इस बात में है कि मैं अपने देश का भला कैसे करूं, अपने समाज का भला, इस भारत माता का भला कैसे करूं जिसका मैंने खून पिया है, जिसका मैंने बीज खाया है, जिसका मैंने नाच खाया है। आपको अपने महासचिव पर सदैव गर्व होगा। इस भाषा और विश्वास के साथ 3.5 मिनट हुए हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश्वास है कि मैं पूरे देश और दुनिया में कहूंगा कि मुरादाबाद की टीम, ये लोहिया ग्रुप और ये महासचिव और आप सब निश्चित रूप से मित्रों ये चुनौती आप स्वीकार करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, और इसलिए आप सबकी ओर से इनका मैं सम्मान करना चाहूँगा।